नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत। सभी लोगों का स्वागत करता हूं मोटीज में। और मैं आज आप लोगों को MIUI 11 के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए आया हूं, क्योंकि पार्ट डे आपको क्या सिस्टम ऐप्स या उसका सिस्टम ऐप्स को अपडेट मिलते हैं, उसी प्रकार हम लोगों का कुछ अपडेट मिल चुका है। अगर आपको नहीं मिला तो ज़रूर आपको अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नया फीचर्स अपडेट हुआ है। तो क्या क्या नया फीचर्स अपडेट हुआ है, चलिए आप लोग तो उस मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाके देख लेते हैं जो क्या क्या नया फीचर्स अपडेट हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, अगर वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा जो क्या नया फीचर्स मिला है। तो चलिए, मैं आ गया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं वो क्या अपडेट मिला है। तो मैं पहले प्ले स्टोर ओपन करने के बाद माई ऐप्स एंड गेम्स में जाएंगे। देख सकते हैं जो स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं जो MI म्यूजिक प्लेयर का अपडेट मिला है हम लोगों को। हाँ, तो देख लेते हैं जो क्या अपडेट नया मिला है। तो व्हाट्स न्यू में मिला है UI अपडेट, मतलब UI का इसका अपडेट मिला है। तो इसको ओपन करके देखते हैं जो क्या क्या नया चेंजेस मिला है। तो देख सकते हैं इसका इंटरफेस जो था पहले वही है, लेकिन इसका थोड़ा सा UI चेंज कर दिया गया। मतलब आइकॉन देख सकते हैं कितना कस्टमाइज किया गया है, आइकॉन देखने के लिए बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसमें क्या नया चेंजेस हुआ है देख लेते हैं। तो पहला नया चेंजेस क्या हुआ, मैं कोई भी सॉन्ग को प्ले करता हूँ, मैं प्ले कर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो ये देख सकते हैं सॉन्ग है, इसमें थ्री डॉट में क्लिक करता हूँ, और थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस जगह से आपको रिंगटोन का एक मिल रहा है ऑप्शन। तो रिंगटोन में क्लिक करता हूँ, जैसे मैं रिंगटोन में क्लिक करता हूँ तो इस जगह से आप क्या कर सकते हैं, आपका रिंगटोन बना सकता है इस जगह से। और या इस जगह से सेट एज रिंगटोन, आपका डिफॉल्ट जो रिंगटोन है इसे चेंज भी कर सकते हैं। बड़ी काफ़ी चेंज किया गया है इसको। और इस जगह से एडिट सॉन्ग इन्फो ही पहले भी था, आप इस जगह एडिट कर सकते हैं। लेकिन इस जगह नया चेंजेस आया क्या, आप इस जगह से आप अपना फोटो भी लगा सकते हैं। मतलब ये जो एल्बम देख रहा है इसके एल्बम कवर चेंज कर सकते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको चेंज करके। मैं मान लो ये इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ, कॉपी करना है आपको जो जितना तक रखना है। तो देख सकते हैं इस फोटो मेरा अभी एल्बम में आ गया, और देख लेते हैं इसमें टिक में लगा देता हूँ, देख सकते चेंज हो गया। ये तो है कमल का चेंज, और भी और एक बहुत नया चेंज है इस जगह में। और देख सकते हैं जैसे मैं स्लाइड करता हूँ, स्लाइड करने के बाद इस जगह आ गया सैटरडे रिकमेंडेशन। मतलब आप इस जगह स्लाइड करेंगे तो उसी हिसाब से आज का आपका कुछ अच्छा खासा सॉन्ग उसी रिलेटेड आपको इस जगह प्रोवाइड करता है। देख सकते हैं कितना सारा सॉन्ग आज को प्रोवाइड करा दिया आपको, तो है ना बहुत कमाल का फीचर। और तीसरा चीज़ है, जिस जगह मैं आपको सेटिंग ओपन कर लिया हूँ, ओपन करने के बाद जो था वही है, लेकिन आप एडवांस सेटिंग में चला जाता हूँ। तो एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको इस जगह मिलता है जो क्वालिटी ऑफ डाउनलोड सॉन्ग्स। जब इस जगह मैं क्लिक करता हूँ देख सकते हैं इस जगह में लो स्टैंडर्ड हाई एंड HD ये चारों ऑप्शन मिलता है इस जगह में। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी अगर सॉन्ग को डाउनलोड करना है तो किसी भी स्टैंडर्ड आपको क्वालिटी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन HD में नहीं कर सकते। HD में जब भी करते हैं तो आपको इस जगह से आपको हंगामा प्रो आ जाएगा, लेकिन इस जगह में आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, तो अभी जाकर आप HD में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन और कुछ चेंजेस मिला है आपको देखा देता है सेटिंग में ही, और सेटिंग में जब चला जाता है एडवांस सेटिंग में, तो इस जगह देख सकते हैं जो बाई साइज बाई लेंथ बोल के दो ऑप्शन आए हैं। तो इस जगह में क्या क्या है इसके अंदर, जो बाई साइज मतलब अगर कोई भी फाइल है उसका अगर 500 के कम होगा तो क्या हो जाएगा, 500 KB, 500 KB का अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक वो हाइड हो जाएगा। बाय लेंथ मतलब कोई अगर आपका ऑडियो फाइल का 30 सेकंड से लेस होगा, मतलब 30 सेकंड से लेस होगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक वो हाइड हो जाएगा। चलिए मैं इसको अभी ऑफ करके देखा देता हूँ आपको लाइव प्रूफ। जैसे मैं इसको ऑफ कर दिया हूँ, मैं फिर चला जाएगा माई म्यूजिक में। माई म्यूजिक में आने के बाद देख सकते हैं इस जगह में फाइल है 450, तो देख सकते हैं इसका लेंथ है 0.01 था, दिखाई दिया ना आप सभी को। चलिए अभी फिर मैं सेटिंग में चला जाता हूँ, और सेटिंग में जाने के बाद उसको मैं क्या करता हूँ, इनेबल कर देता हूँ दोनों ऑप्शन को। जैसे इनेबल कर दिया हूँ अभी मैं चला जाऊँगा और फिर से माई म्यूजिक में, और देख सकते हैं वो फाइल अभी गायब हो चुका है। देख सकते हैं जो लास्ट में 450 था वो कभी नहीं है। तो क्या कमाल का फीचर यही था। तो इस जगह में और कुछ नया फीचर नहीं मिला, यही फीचर था आज तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना, अगर चैनल को अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का दबा देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।